हेलो नमस्ते, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के फीवर को कुछ ही मिनटों में कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, और बेस्ट एंटी फीवर सिरप के बारे में जानेंगे। इस सिरप के कॉम्बिनेशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आइबुप्रोपेन एंड पैरासिटामोल सस्पेंशन। इस सिरप के कॉम्बिनेशन वाली सिरप आपको मेडिकल स्टोर में किस पॉपुलर ब्रांड नेम से अवेलेबल कर सकते हो आप, इसके बारे में जानेंगे। आइबुप्रोपेन सिरप के यूज़ के बारे में जानेंगे, आइबुप्रोपेन सिरप के डोज के बारे में जानेंगे, और इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। आपने पहली बार चैनल विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आइबुप्रोपेन एंड पैरासिटामोल सस्पेंशन के मेडिकल स्टोर में पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है आइबोगेसिक प्लस, सेकेंड कॉम्ब्लीफॉर्म सिरप, थर्ड है आइबोमेट पी, फोर्थ है आइब्रोवील प्लस, फिफ्थ सिरप है आइबोजेक पी सिरप। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है आइबुप्रोपेन एंड पैरासिटामोल सस्पेंशन के। आपको जो अच्छा लगे उस सिरप को आप खरीद सकते हो मेडिकल स्टोर से। इन सिरप के यूज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इन एंटी फीवर सिरप का यूज डॉक्टर किसके डिसीज को कंट्रोल करने के लिए इन सिरपों का यूज करते हैं इसके बारे में जानते हैं। इस सिरप का कॉमन यूज है बॉडी में बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ जाना, या बॉडी में बहुत अधिक फीवर होना, या बॉडी का टेम्परेचर कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, इस टाइप के फीवर को ट्रीट करने के लिए भी इस सिरप का यूज़ किया जाता है। या बॉडी में पेन हो रहा हो जब भी इस सिरप का यूज़ किया जाता है, या बॉडी में किसी प्रकार की चोट लगे हो उस चोट का पेन को भी कंट्रोल करने के लिए इस सिरप का यूज़ किया जाता है, और बॉडी में चोट लगे और स्वेलिंग को भी कम करने के लिए इस सिरप का यूज़ किया जाता है, और बॉडी में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो जब भी इस सिरप का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कान में इन्फेक्शन हो और वहाँ पर दर्द हो रहा है जब भी इस सिरप का यूज़ किया जा सकता है, या नाक में दर्द हो रहा है जब भी इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं, या आँखों में दर्द हो रहा है या जलन दे रही है जब भी सिरप का यूज़ कर सकते हैं, या आप ये समझ सकते हैं कि बॉडी में किसी प्रकार का पेन हो रहा हो जब इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं, बस पेट में दर्द हो रहा है जब इस सिरप का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये कुछ पॉपुलर यूज़ हैं एंटी फीवर सिरप के। आप इस सिरप के डोज के बारे में जानते हैं। हर फीवर के डोज को बॉडी वेट, सेक्स, एज और डिसीज के हिसाब से ही हर मेडिसिन के डोज को डिसाइड किया जाता है, पर हम इस वीडियो में बॉडी वेट के हिसाब से इस मेडिसिन के डोज को डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस सिरप का यूज़ 1 ईयर प्लस बच्चे यूज़ कर सकते हैं इस सिरप का। किसी बच्चे का बॉडी वेट है 10 kg, उस बच्चे को 24 आवर्स में सुबह शाम 2-2 ml लेना है। जिस बच्चे का बॉडी वेट 15 kg है उसको 3-3 ml लेना है 24 आवर्स में 2 बार, या बॉडी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो 24 आवर्स में 3 बार भी ले सकते हैं। इस सिरप के डोज को आप अपने डॉक्टर के एडवाइस से भी ले सकते हैं, या फार्मासिस्ट के एडवाइस से भी ले सकते हैं। इस फीवर के आइबुप्रोपेन एंड पैरासिटामोल सस्पेंशन वाली सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है वोमिटिंग, सेकेंड डायरिया, नोजिया, या पेट में एसिडिटी एंड गैस की प्रॉब्लम होना, या पेट फूलना, या स्किन में रेडनेस आना। ये कुछ पॉपुलर साइड इफेक्ट हैं इस मेडिसिन के। आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माय फ्रेंड।